महाराज जी पर भगवान की विशेष कृपा हुई और नारद जी के निवेदन पर कहने पर श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की। श्रीमद् भागवत जी की रचना महाभारत के युद्ध से श्री व्यास जी ने स्टार्ट की। महाभारत में 99 कौरव मारे गए भीम भैया ने। दुर्योधन कुमार अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देते हैं अश्वत्थामा और भगवान की शरण में अर्जुन आए और अश्वत्थामा को पकड़ने चले तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। शरण में आकर के अर्जुन बोले, कृष्णा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दहियमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े, अर्जुन प्रभु रक्षा कीजिए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ, अर्जुन ने भी चलाया, दोनों शांत हो गए। वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी तुम्हारे पुत्र को मारा ना अश्वत्थामा, ये लो। अश्वत्थामा सामने खड़ा, बताओ क्या दंड देना चाहोगी। द्रौपदी ने कहा क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? अच्छा बताओ, किसी ने आपको मार दिया तो क्या आप भी उसे मार दें? क्या ये समाधान सही है? बताओ। सही है? नहीं। कोई युद्ध करे आपसे तो मारो, कोई आपसे युद्ध करे, लड़ने के मूड में हो तो भाई युद्ध करना सही भी है। हनुमान जी लंका गए तो वहां निशाचरों को मारा। रावण ने पूछा हनुमान जी से, क्यों रे बंदर, तुमने हमारे लोगों को क्यों मारा? तो श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण जिन मोहि मारा ते मैं मारी, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन लोगों ने मुझे मारा मैंने उनकी कस के धुलाई कर दी, मैंने अपने से नहीं मारा किसी को, जो मुझे मारेंगे मैं भी मारूंगा। तो सुनो, जो आपको मारे आप उसे मारिए, बात बिल्कुल सही है, मारना भी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु पहले ये देखो कि जो आपको मारने वाला है वो कौन है।